हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। ये पाइथन की सीरीज का हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने यूनिट फोर्थ के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, जैसे हमने सभी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, उनकी प्रेसिडेंस भी देख ली थी। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने इफ, इफ एल्स, इफ एल, इफ एल्स, सिंपल प्रोग्राम्स भी इनके देख लिए थे। उसके बाद में हमने नोटेशन ऑफ इटरेटिव कंप्यूटेशन एंड कंट्रोल फ्लो, रेंज फंक्शन, व्हाइल लूप, फॉर लूप भी हमने कवर कर लिया था। इस यूनिट में हम हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो पेंडिंग है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो पेंडिंग है, पास स्टेटमेंट पेंडिंग है, एल्स पेंडिंग है, और एसर्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा पेंडिंग है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रेक को, कंटिन्यू को, पास को, एल्स को, एसर्ट को, सभी को कवर कर लेंगे। तो वीडियो बगैर स्किप किए पूरा अपने को वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है अपना स्टूडेंट कौन सा, सबसे पहला टॉपिक है अपना ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक पाइथन में ब्रेक का यूज करंट फॉर लूप या व्हाइल लूप या कोई कंडीशन है उसको टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। आपने कोई, आप फॉर लूप का यूज कर रहे हैं या कोई व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं या किसी कंडीशन का यूज कर रहे हैं, इफ का यूज कर रहे हैं, एल्स का यूज कर रहे हैं, उसको टर्मिनेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ब्रेक का यूज करेंगे। मीन्स ब्रेक कीवर्ड का यूज हम एक पर्टिकुलर कंडीशन पर लूप को एग्जिट करवाने के लिए करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से कवर कर लेते हैं ताकि आपके पूरा मैटर है जो क्लियर हो जाए। तो अपन आईडी स्टार्ट करते हैं अपनी थोनी। इसमें से पहले वाला जो आउटपुट है वो क्लियर हटाते हैं और सबसे पहला है अपना ब्रेक। सबसे पहला अपन कौन सा क्लियर करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट अपन कवर कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपन एक लूप बनाते हैं जिसमें हम, जैसे लिखा अपन ने फोर आई इन रेंज और मैंने दे दिया फाइव, ठीक है, और प्रिंट करवा दिया मैंने किसको, आई को। तो जीरो से फोर तक की जो रेंज है वो प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट हो जाएगी? क्योंकि मैंने इंडेंटेशन नहीं दिया इसलिए क्या आ गई है, एरर। अब इसको अपन प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 हमने दे दिया। अब इसमें लगाते हैं ब्रेक। तो यहाँ पे मैंने 1 से 10 वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो स्टार्टिंग रेंज है 1 और चूंकि ये 1 कम लेता है तो इसलिए अपने को 1 ज्यादा देनी पड़ेगी। प्रिंट करवा देंगे नंबर को। अब एक कंडीशन लगाते हैं ब्रेक की। तो यहां अगर मैं ब्रेक कर देता हूं, क्या कर देता हूं, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 1 by 1 इंक्रीज करते हुए आगे वाला स्टेटमेंट नहीं चलने देता और कंट्रोल को लूप से बाहर ले आता है। तो इस ब्रेक का यूज यहां आपको पता नहीं चलेगा, एक कंडीशन लगाएंगे तब अपने को पता लग जाएगा। जैसे मैं यहां पे एक कंडीशन देता हूं, इफ, इफ कर दिया, एक बार मैं नंबर प्रिंट करवाता हूं उसके आगे कोई कंडीशन देता हूं। तो ये मैंने नंबर करवा दिया प्रिंट। यहां मैं एक कंडीशन दे देता हूं, इफ जो आई है वो अगर बराबर हो जाए किसके, 5 के, तो मैं चाहता हूं इसका इंडेंटेशन भी आपको देना जरूरी है, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अब स्टूडेंट देखिए, फिर इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। अब स्टूडेंट क्या हुआ, जैसे ही वैल्यू 5 हुई तो इसने क्या किया, सबसे पहले आई की वैल्यू थी 1, 1, 1 प्रिंट हो गया, ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद में मैच नहीं हुई तो वापस चला गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो भी मैच नहीं हो रही तो 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, 5 पे कंडीशन क्या हो गई, मैच हो गई, इसलिए ये ब्रेक कर गया। मतलब आगे वाले कोई भी स्टेटमेंट नहीं चले। तो ब्रेक का मतलब है कि पूरे ही उसके कंडीशन मैच होने के बाद में ये पूरे प्रोग्राम से आपको बाहर निकाल देता है। ऐसा ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है
कि आप ब्रेक को केवल फॉर लूप के साथ में यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को आप व्हाइल लूप के साथ में भी यूज कर सकते हैं। किसके साथ में? व्हाइल लूप के साथ में भी आप ब्रेक को यूज कर सकते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल व्हाइल लूप का भी ले लेते हैं, इसको करते हैं क्लियर। और यहां से मैं व्हाइल लूप लेता हूं, जैसे एक मैंने नंबर वेरिएबल लिया, उसकी इनिशियलाइज वैल्यू ले ली 1, और मैंने लिखा व्हाइल नंबर लेस देन कितने 10, ये ले लेता हूं, कंडीशन लगा दी मैंने, और प्रिंट करवाया मैंने किसको, नंबर को। अब एक कंडीशन देता हूं, चूंकि मैंने यहां इंडेंटेशन नहीं दिया है तो एरर आ सकती है, तो यहां मैंने दिया इंडेंटेशन और ये मैंने दे दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने लगाई कंडीशन, कंडीशन लगाई मैंने, क्या कंडीशन लगाई मैंने, कंडीशन लगाई इफ नंबर इक्वल टू 5, देन क्या होगा 5 तो क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, और नंबर की वैल्यू हर बार नंबर में कितना जुड़े, 1 जुड़ जाए। अब देखिए स्टूडेंट, फिर इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें नंबर चलाने थे 1 to 9 तक, लेकिन ये 5 पे कंडीशन मैच हो गई, तो इसको डीबग करके अपन देख लेते हैं। देखिए डीबग करके देखते हैं, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया है। उसके बाद में यहाँ चेक किया जाएगा, क्या जो 1 है 5 के बराबर है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं करेगा, और आई नंबर की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, नंबर की वैल्यू 1 से बढ़ गई, नंबर हो गया 2। अब वापस कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 10, बिल्कुल ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा, 2 इक्वल टू 5, फॉल्स है तो ब्रेक नहीं चलेगा, और नंबर की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब नंबर की वैल्यू हो गई है 3, फिर चेक करेगा, 3 लेस देन 10, ट्रू है तो नंबर की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में फिर चेक करेगा, 3 इज इक्वल टू 5, फॉल्स है तो ब्रेक फिर नहीं चलेगा, तो क्या हो गया, नंबर की वैल्यू 1 बढ़ गई, नंबर की वैल्यू हो गई 4। यहां पे चेक करेगा, 4 इज लेस देन 10, 4 इज लेस देन 10 ट्रू, तो 4 की वैल्यू ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद में फिर चेक करेगा, 4 इज इक्वल टू 5, फॉल्स है तो ब्रेक फिर नहीं चलेगा, नंबर की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। उसके बाद में लिखा, नंबर 5 इज लेस देन 10, बिल्कुल ट्रू है तो नंबर की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। अब चेक करेगा कंडीशन, 5 इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या चलेगा, ब्रेक चलेगा, तो अब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसके साथ में अपन एल्स भी लगा करके देख सकते हैं। एल्स मैंने लिखा और मैंने लिखा एंड ऑफ प्रोग्राम, अब ध्यान देना स्टूडेंट, ब्रेक प्रोग्राम के कंट्रोल से बाहर ले जाता है, तो यहां पर क्या हुआ, एल्स के अंदर मैंने इंडेंटेशन लगाई देता हूं, ये एल्स का पार्ट था, ना एल्स भी नहीं चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोग्राम का पार्ट है फिर भी नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि ब्रेक क्या करता है, प्रोग्राम से ही बाहर ले जाता है, एंड ही कर देता है। आई होप आपके ब्रेक क्लियर हो गया होगा। फॉर लूप में कभी ब्रेक मतलब आप एग्जिट एल्स यूज करने का कोई फायदा फॉर और व्हाइल लूप में नहीं है, क्योंकि यह तभी रन होता है जब लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है। लूप यहाँ पे कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जबकि ब्रेक क्या करता है, लूप में को बीच में ही टर्मिनेट कर देता है। जैसे अभी इसे एग्जांपल में किया, 5 होते ही उसने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा, एल्स भी क्लियर हो गया होगा। ये है अपना कैसा स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन, कंटिन्यू, कौन सा, कंटिन्यू स्टेटमेंट की चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं अपन। कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट की पहले देखते हैं अपन क्या डेफिनेशन। पाइथन में कंटिन्यू का यूज किसी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग करंट लूप इटरेशन को स्किप करने के लिए किया जाता है।
इफ कंटिन्यू की कंडीशन ट्रू होती है तो इटरेशन का जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और स्किप करने के बाद लूप नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट होता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि पाइथन में कंटिन्यू का यूज हम वहां करते हैं जब हमें किसी कंडीशन पर लूप के एग्जीक्यूशन को क्या करना हो, स्किप करना हो। तो आई होप आपके थोड़ा क्लियर हुआ होगा। पूरा क्लियर कब होगा, जब अपन करेंगे एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो लगाता हूं मैं फॉर लूप में, करते हैं पहले फॉर कोई नंबर ले लेता हूं, नंबर इन रेंज, रेंज कर दिया मैंने एक से, मेरे को 10 तक चलाना है तो 1 से 11 लिखूंगा मैं यहाँ पे, और लगाऊंगा कॉलन, और ये एक कंडीशन लगा देता हूं इफ नंबर इक्वल टू 3। कॉलन लगाया मैंने और क्या कर दिया, कंटिन्यू, क्या कर दिया, कंटिन्यू, और प्रिंट करता हूं किसको, नंबर को। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो स्टूडेंट देखिए 1, 2, 3 नहीं आया है। कैसे नहीं आया है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर की वैल्यू है कितनी, 1 इज इक्वल टू 3, फॉल्स है तो कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक होगी, 2 इज इक्वल टू 3, 9, तो 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद में 3, नंबर की वैल्यू कितनी 3, तो ये 3 इक्वल टू 3 बिल्कुल ट्रू है, तो ये वापस कंटिन्यू करता है, मतलब नेक्स्ट इटरेशन के लिए 4, तो इसीलिए यहां पे क्या नहीं आया, यहां पे आया नहीं 3। तो इसको डीबग मोड में चलिए चला करके देखते हैं, ये तो रन हो गया, ये डीबग करके देखते हैं। सबसे पहले रेंज है 1 to 11, 1 चला, यहां पे चेक करेगा 1 इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है तो नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में 2 भी फॉल्स है तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में 3 क्या है, 3 है ट्रू है तो कंटिन्यू चलेगा, 3 को स्किप कर दिया, देखिए इसने प्रिंट नहीं करवाया। अब 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, सभी पे ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होगी, 9 प्रिंट करवा दिया, ऐसे ही 10 प्रिंट करवा देगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसी भी बात नहीं है कि आप कंटिन्यू जो है आप इसको केवल फॉर लूप के साथ में यूज कर सकते हो, इसको भी आप व्हाइल लूप के साथ में यूज कर सकते हो। चलिए उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता ही देता हूं। जैसे मैंने लिया i=0 ले लिया, अब मैं लगाता हूं व्हाइल i <= 10 करता हूं और इंडेंटेशन लगाता हूं i = i+1 करता हूं और अब कंडीशन लगाता हूं इफ i = 4 और मैं करता हूं कंटिन्यू, क्या किया मैंने, कंटिन्यू, और प्रिंट करता हूं किसको, आई को। अब आप भी सोच करके देखिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं। 1, 2, 3, 4 पे कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू करेगा, 5, 6, 7, 8 ऐसे आएगा। आई होप आपके ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर हम कंटिन्यू लूप के साथ में यूज कर रहे हैं जैसा कि अभी कर रहे हैं अपन, तो हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है। वो बातें क्या है वो देखिए। अगर आप व्हाइल लूप में कंटिन्यू का यूज कर रहे हैं तो आप जिस वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं उसे हमेशा कंटिन्यू स्टेटमेंट वाली लाइन से पहले, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू वाली लाइन से पहले ही मॉडिफाई करें, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा, अगर बाद में करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जैसे करके देखते हैं एक बार अपन, बाद में भी करके देखते हैं। तो मैंने लिखा ये वैलिड नहीं होगा, तो लिखते हैं जैसे इफ नंबर इक्वल टू 5, ये मैंने किया, फिर कर दिया कंटिन्यू, और फिर किया मैंने नंबर प्लस वन, क्योंकि जैसे ही वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी,
ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंटिन्यू करके आगे जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू बढ़ेगी नहीं, फिर वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी तो प्रॉब्लम आएगी अपने। तो इसलिए पहली बात का ध्यान क्या रखना है, कंटिन्यू वाली लाइन से इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर ही आपको लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, अगला स्टेटमेंट अपना कौन सा है, अगला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे पास, कौन सा पढ़ेंगे, पास स्टेटमेंट पढ़ेंगे। चलिए पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं अपन, पास स्टेटमेंट क्या होता है। पास स्टेटमेंट, तो स्टूडेंट देखिए पाइथन का पास स्टेटमेंट वास्तव में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं होता या कुछ कार्य नहीं करता, लेकिन यह केवल एक एम्प्टी स्टेटमेंट प्लेस होल्डर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसे नो ऑपरेशन प्लेस होल्डर भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसे तब स्पेसिफाई किया जाता है जब हमारे पास स्पेसिफाई करने के लिए कोई यूजफुल नहीं होता, कुछ भी अपने पास में नहीं होता। सामान्यतः इसका यूज तब उपयोगी होता है जब हम किसी कंपाउंड स्टेटमेंट की एम्प्टी बॉडी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अभी आपके बात सर के ऊपर से शायद निकल गई होगी, चलिए इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं ताकि आपके क्लियर हो। तो देखिए एक फॉर लगाता हूं, इन रेंज 1 से स्टार्ट करता हूं, 11 तक जाता हूं और कॉलर लगाता हूं, और मैंने लिखा यहां पे प्रिंट किया मैंने आई, और एक प्रिंट करता हूं मैं एंड ऑफ प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम अपना सही चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा, प्रोग्राम अपना सही चलेगा, बिल्कुल सही चल रहा है 1 to 10। अब सोच के देखिए कि यहां मैं प्रिंट ना लिखूं, अब ये लूप कैसा कहलाएगा, ये लूप कहलाएगा एम्प्टी लूप, कैसा लूप कहलाएगा, एम्प्टी लूप, और एम्प्टी लूप कभी नहीं चलता है, तो क्या आएगी, एरर आएगी, क्या आएगी, एरर। ये एरर ना आए और अपन फर्दर कुछ लिखना चाहे तो यहां हम इसको स्किप करने के लिए पास कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पास लिख सकते हैं। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, या तो हम लिखना नहीं चाहते यहां पे, या हमें अभी पता नहीं है कि यहां पे लिखना क्या है, तो इस कंडीशन में एरर ना आए उस कंडीशन में यहां पे अपन क्या लिख देंगे, पास लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल चलिए और बना करके अपन देखते हैं, इस बार कंडीशन से बनवाता हूं। जैसे एक नंबर है उसकी वैल्यू है 5, ठीक है, अब मैं एक कंडीशन लगाता हूं, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको करता हूं मैं इंडेंट किया मैंने, दिस इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और एक लगाता हूं एल्स और लिखता हूं दिस इज नेगेटिव नंबर। अब इसको रन करते हैं एक बार, तो अपना क्या आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो सही बात है। अब मैं क्या चाहता हूं, या तो इफ का या एल्स का कोई स्टेटमेंट मैं करना चाहता हूं स्किप, जैसे मैं यहां पे कुछ नहीं लिखना चाहता, तो क्या होगा, तो रन करेंगे तो एरर आएगी, क्यों आएगी, ये कहता है कि आप अनएक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड इन ब्लॉक आफ्टर एल्स स्टेटमेंट, ये कह रहा है यहां पे स्टेटमेंट लिखिए नहीं लिखना, या मुझे नहीं पता कि क्या लिखना है, तो उस कंडीशन में यहां आप क्या लिख दीजिए, पास, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ये आपका था पास स्टेटमेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पास स्टेटमेंट, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट देखते हैं एसेट, अगला कौन सा है, एसेट कीवर्ड है स्टूडेंट, एसेट कीवर्ड क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। एसेट कीवर्ड यूज्ड व्हेन डीबगिंग कोड, अगर अपन कोड को डीबग, जैसे मैं आपको बताता हूं डीबग करके, अगर आपको डीबग करना है तो आप एसेट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। द एसेट कीवर्ड लेट यू टेस्ट, क्या काम के लिए, इफ ए कंडीशन इन योर कोड रिटर्न ट्रू, आपकी कोई कंडीशन है वो ट्रू रिटर्न करती है, इफ नॉट, यदि नहीं करती,
द प्रोग्राम विल राइज एन एसरेशन एरर। तो ध्यान रखना, अगर नहीं करती तो किस टाइप की एरर देगा, ये एसरेशन एरर देगा। यू कैन राइट ए मैसेज, आप एरर के रूप में क्या लिख सकते हो, एक मैसेज लिख सकते हो, इफ ए कोड रिटर्न फॉल्स, अगर आपका कोड क्या रिटर्न करे, फॉल्स रिटर्न करे, चेक एग्जाम्पल बिलो। तो देखिए इसका सिंटेक्स अपने को पहले ध्यान में रखना है, सबसे पहले एसेट के बाद में क्या देंगे, कंडीशन देंगे, फिर एरर मैसेज देंगे। ये जो एरर मैसेज होता है ऑप्शनल होता है, जैसे इसको एग्जाम्पल से बताता हूं, मैंने यहाँ पे पास नहीं लिखा, ठीक है, पास नहीं लिखा तो आपको पता है एरर आएगी। ये जो एरर दिखाई जा रही है, ये एरर हम भी दे सकते हैं, किस कीवर्ड का यूज करके, एसेट कीवर्ड का यूज करके। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से ही करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक वेरिएबल लिया, इसको करते हैं क्लियर, क्लियर करते हैं, और मैंने लिखा एक्स इक्वल टू, एक मैसेज दिया मैंने हेलो पीसीसी, ठीक है, एक मैसेज दिया मैंने। अब मैं देता हूं एसेट, एसेट उसके बाद वेरिएबल क्या है, एक्स इक्वल टू होना चाहिए गुड, गुड एकेडमी, मैंने मैसेज दिया बेस्ट एकेडमी, ये मैसेज दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई एक्स डाले तो बेस्ट एकेडमी आए, तो मैं इसके लिए एरर दे सकता हूं, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, शुड बी क्या होना चाहिए, हेलो, हेलो ही होना चाहिए। चलिए हेलो ही लिखते हैं एक बार अपन, एक्स शुड बी, शुड बी क्या होना चाहिए, हेलो शुड बी, ये मैंने क्या दे दिया, मैसेज प्रिंट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको करते हैं रन, क्योंकि बेस्ट एकेडमी, अच्छा एक्स क्या होना चाहिए, हेलो होना चाहिए, तो एक्स मैंने दिया हेलो, इक्वल टू मैंने कर दिया बेस्ट एकेडमी, फिर क्या किया, एक्स एरर आ गया, देखिए एसरेशन एरर आ गई, बेस्ट एकेडमी, एक्स क्या होना चाहिए, हेलो होना चाहिए, तो यहां लिखता हूं क्या, अब हेलो, हेलो लिखा मैंने और इसको किया रन, तो देखिए कोई भी एरर नहीं आई। अब अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हो आप एक्स को, तो आप लिख दो प्रिंट एक्स, क्या लिख दो, प्रिंट एक्स, आप देखिए हेलो आ चुका है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहां पे x के अंदर और कुछ लिखोगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। ये देखिए पीसीसी x शुड बी, पीसीसी तो है x की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू क्या है, हेलो है, ये क्या एरर दे रहा है, x शुड बी हेलो, x क्या होना चाहिए, हेलो होना चाहिए। आई होप आपको एसरेशन जो एसेट कीवर्ड है वो क्लियर हो गया होगा, जो कि एसरेशन एरर के लिए यूज में लिया जाता है। ये मैसेज देना कोई कंपलसरी नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। आई होप आपको आज जो मैंने बताए, कौन कौन से बताए आपको, एक आपको मैंने बताया ब्रेक, कौन सा बताया, ब्रेक, क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यू बता दिया मैंने आपको, कॉन्टिन्यू, ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा पास, ये भी क्लियर हो गया होगा, और लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा, एसेट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया और आपको बिल्कुल से ये समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और देखते रहें पीसीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।